मेरे प्यारे बच्चों, मैं देवनाथ सर, आपका अपना चैनल सत्यम लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए, तो हम लोग कल तो आप वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, हम लोग इसके पहले पढ़े थे त्रिकोणमिति का बेसिक परिचय, ठीक है ना, क्लास टेंथ के लिए है। लेकिन हम लोग आज जानेंगे प्रश्नावली 8.1, ठीक है, त्रिकोणमिति का 8.1। देखिए ना, चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे एक मेरी विनती है, आप मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए चलिए हम जानेंगे आज प्रश्नावली 8.1। कह रहा पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण, देखिए यहाँ चलते हैं पहले इधर से, एक त्रिभुज है, क्या बच्चों, त्रिभुज, यह त्रिभुज है एबीसी, ठीक है। कह रहा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, देखिए बी समकोण है यानी बी कितना है 90 डिग्री, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए नंबर उठाने की एक कला होता है, ठीक है। चलिए दिया है, दिया है गिवन ए बी इजकल टू, ए बी कितना दिया बच्चों 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी दिया कितना 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे, हमारा लंब दिया है और आधार दिया है, तो क्या निकालेंगे कर्ण, कर्ण यानी ए सी निकालेंगे, तो क्या होगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। चलिए ए बी, ए बी का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी सी कितना है जी 7, चलिए 7 सेंटीमीटर हो गया। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का होता है 49, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 625, 915 के 85 लेख, 7 4 11 एक 12 के 82 लेख, 5 1 6, 625 का वर्गमूल होता है 25 × 25 यानी 25 सेंटीमीटर। चलिए यानी हमारा एसी का वैल्यू क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, इससे पहला दिया है साइन ए कॉस ए, चलिए निकालना आपको साइन ए कॉस ए। चलिए तो हम सबसे पहले निकालेंगे साइन ए, आइए साइन ए, देखिए आपको बताया थे कि थीटा जहाँ रहेगा ना उसके सामने वाला भुजा को लंब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए दिया है ना, ए यहाँ पे है, इसके सामने वाला बी सी क्या हो जाएगा लंब, तो साइन ए क्या होता है पी बटा एच, तो लंब क्या हो गया आपका बी सी, कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, इसका मतलब हो गया बी सी का वैल्यू कितना दिया है 7, 7 कितना है 25। चलिए अगला आता है कॉस ए, कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए के लिए हो जाएगा, देखिए कॉस ए यहाँ पे है, इसके लिए लंब यह हो गया, तो आपका आधार क्या हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी बाई ए सी, क्या होगा ए बी बटे ए सी हो गया। चलिए ए बी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी 24 बटा कितना आ गया 25, ये आपका आंसर आ गया। अगला दिया है साइन सी कॉस सी, चलिए साइन सी कॉस सी,
हम सबसे पहले निकालेंगे साइन सी, साइन सी निकालना है तो ले सी यहाँ पे है तो इसके सामने लंब क्या हो जाएगा ए बी, ए बी कर्ण हो गया ए सी, ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 25 सेंटीमीटर एंड 24 बटा कितना आ गया 25। अगला दिया है कॉस सी, आइए कॉस सी दिया है तो कॉस सी इसके लिए जब लंब हो गया ए बी तो आधार क्या हो जाएगा बी सी, तो हो गया बी सी बटा ए सी 7/25। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। टू कह रहा है आकृति 8.3, देखिए 8.3 में एक फिगर बनाया है। सबसे पहले ठीक है यहाँ दिया है पी क्यू आर, इसका वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर, इसका दिया 12 सेंटीमीटर, इसका निकालेंगे तो लिखेंगे पहले सॉल्यूशन। ठीक है चलिए तो क्या हो जाएगा गिवन दिया है पी क्यू इजकल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इजकल टू दिया है 13 सेंटीमीटर यानी लंब और कर्ण दिया तो आधार निकालना है, निकालना है क्यू आर, क्या रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, कितना दिया है पी आर, पी आर हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का होता है 169, 12 का 144, चलिए 25 आ जाएगा यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 सेंटीमीटर यानी की बार कितना आ गया 5। देखिए हमको निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना हमको टेन पी माइनस कॉट आर, आइए टेन पी माइनस कॉट आर, चलिए हमको निकालना है टेन पी माइनस कॉट आर, ठीक है चलिए टेन पी, टेन पी तब क्या होता है पी बटा बी, अब बी बटा क्या होता है पी, चलिए टैन यहाँ पर थीटा यहाँ पी है ना तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, क्या होगा बच्चों देखिए आपको पहले बताया गया है कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, ठीक है ना, जब थीटा यहाँ पी दे रहा है तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, आधार क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस, चलिए कॉट आर तो जब यहाँ आर है तो इसके लिए लंब हो गया पी क्यू तो आधार क्या हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर बट्टा पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है पी क्यू, चलिए तो क्यू आर का वैल्यू कितना आया है जी 5 आया है, अब पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, अब 5/12 घट के क्या आ गया 12 कैल्शियम 12 होगा 5 माइनस 5 जीरो, 0/12 यानी 0। चलिए फटाफट इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 3 कह रहा है यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। देखिए यहाँ दिया है बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन साइन ए बराबर 3/4, ठीक है क्या करना हमें तो कॉस ए और टेन ए, चलिए साइन ए क्या होता है पी बटा एच, 3/4 कितना आ गया 4, इसका मतलब पी का वैल्यू 3 एच का वैल्यू 4, पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर
एच कितना हो गया 4, तो हमें निकालना पड़ेगा बी। तो क्या होता है बी इजिकल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। एच का वैल्यू कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा 16, और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 हो गया 7, यानी बी का वैल्यू क्या आ गया रूट अंडर 7। चलिए तो हमें निकालना क्या है, तो कह रहा है हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए। चलिए कॉस ए, आइए देखिए कॉस ए और टेन ए, देखिए यहाँ समझने वाली बात है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ थीटा सब में क्या है ए है, वहाँ भी ए है और वहाँ भी ए और यहाँ भी क्या है ए है। चलिए कॉस ए तो क्या होता है बी बाई एच, तो कितना बी का वैल्यू आया है रूट 7, एच कितना हो गया 4। चलिए और टेन ए क्या होता है पी बाई बी, पी का वैल्यू कितना है 3, अब बी कितना आया है रूट 7। चलिए ये अब करा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फोर नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक के, चलिए दिया है गिवन 15 कोट ए बराबर 8, चलिए यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो जाएगा कोट ए बराबर 8/15, तो कोट ए क्या होता है बी बटा पी, 8/ कितना आ गया 15, बी के मान 8 और पी के मान 15, बी के मान 8 हो गया अब पी के मान 15, अब एच निकालेंगे रूट अंडर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो कितना दिया पी स्क्वायर, पी का वैल्यू हो गया 15 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। चलिए देखिए आप लोग कम से कम 1 से 30 तक याद कर लीजिए स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 से 64 कितना हो जाए 4, 5, 9, 6, 2, 8, 2, 2, 89, 289 का वर्गमूल होता है 17, क्या होता है जी 17। चलिए हमें निकालना है, क्या निकालना है ये साइन ए और सेक ए। चलिए साइन ए क्या होता है पी बटा एच, पी का वैल्यू कितना दिया है बच्चे 15 दिया है, एच कितना आया है 17। चलिए और निकालना है सेक ए, सेक ए क्या होता है एच बटा बी, देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, आपको बोला जा रहा है कि आप त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कीजिए, जैसे साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक कॉट, तो कॉस कॉस का होता है बी बटा एच, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक का उल्टा एच बटा बी। चलिए एच का वैल्यू कितना है 17, अब भी कितना है 8। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला कल। देखिए एक चुटकुला आपको याद पड़ गया, एक बार सर पढ़ा रहे थे क्लास में, ठीक है ना, पढ़ा रहे थे इतिहास दिल्ली के बारे में, ठीक है, तो एक बच्चा पीछे सो रहा था, तो सर पढ़ा रहे थे कि दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, ठीक है ना, तब तो बच्चा सो रहा था, अब सर देखे अरे सो रहा है, खड़ा हो जाओ खड़ा हो जाओ, तो क्या सर, बोलो मैंने क्या पढ़ाया, बोलो दिल्ली में क्या है, अच्छा सर दिल्ली में कुत्ता बिलार है। ओ चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के साथ, ठीक है। देखिए आपसे एक मेरी विनती है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ओके।